Hey, hello my dear students, how are you all? I hope from you are very very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me at your class group. So let's start. Today we are going to revise चैप्टर नंबर 4 राइमिंग वर्ड्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी रिविज़न कर रखा है. फिर भी मैंने सोचा आपके हाफ ईयरली एक दो दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना फिर से रिविज़न करा देती हूँ इस चैप्टर का, जिसमें मोस्टली आप लोगों को प्रॉब्लम है. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इट मीन्स राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो एक दूसरे जैसे होते हैं, मिलते जुलते जैसे होते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स तरह बोले जाते हैं. दिया, लिया, किया, या फिर आना जाना. ठीक है, इस तरह से हिंदी में मैंने बताया. इंग्लिश में जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाई फाइव, कम, सम. ठीक है, तो ये कुछ मिलते जुलते से भाई बहन ऐसे वर्ड्स नहीं लगते, तो बस यही भाई बहन जैसे वर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द पॉइंट. ग्रामर की बुक से आज हम लोग चैप्टर 4 रिवाइज करेंगे. ठीक है बच्चों, ओके. राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मिलते जुलते शब्द. ठीक है, डिडंट द वर्ड्स यू जस्ट रीड साउंड सिमिलर. वर्ड दैट साउंड सिमिलर आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स. जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उन्हीं को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. जस्ट लाइक नेट, पेट, गेट, लेट, वेट, बेट, जेट. ठीक है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय लिसनिंग टू देयर साउंड. गेम, नेम, सेम, फेम, टेम, इस तरह के वर्ड्स भी आपके राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. दे मे हैव सिमिलर स्पेलिंग्स जस्ट लाइक बॉल, हॉल, मॉल, कॉल. ठीक है, एंड टॉल ऑल्सो. और दे मे हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम एंडिंग साउंड. और इनकी डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं, लेकिन एंडिंग साउंड जो होता है ना वो सेम होता है. अब स्पेलिंग देखो, यहाँ पे काइट, के आई टी ही काइट है. मिलते जुलते वर्ड्स में आपको यही समझना चाहिए कि अ वाइट काइट, वाइट राइट. तो वाइट राइट तो मिलता जुलता दिख भी रहा है कि उसकी स्पेलिंग मैच हो रही है, बट यहाँ पर देखो तीनों की स्पेलिंग मैच नहीं होने वाली है. काइट, वाइट, राइट, तीनों की स्पेलिंग नहीं मैच हो रही है. तो लेकिन मिलते जुलते शब्द साउंड तो एक जैसा है ना, एंड का साउंड तो एक जैसा है, तो ये भी आपके राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे. ठीक है, बेटा राइमिंग वर्ड्स के लिए चलो एक एक्टिविटी करते हैं. सिंग द नर्सरी राइम. डू यू हेयर एनी वर्ड्स दैट साउंड द सेम. चलो सिंग करते हैं एक नर्सरी राइम. और जब आप क्या इसमें कोई मिलते जुलते सेम साउंड वर्ड सुनोगे, अगर सुनोगे तो सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट साउंड द सेम इन द एंड. और तो अगर ऐसी बात है तो आपको क्या करना है कि उन वर्ड्स को सर्कल कर देना है एंड के, जो इनके भी साउंड सेम लगते हो. देयर आर 8 वर्ड्स इन ऑल. यहाँ पर 8 वर्ड्स हैं पूरे. रीड एंड सिंग अलाउड पोएम. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो इसमें से आपको 8 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं इसमें से, और इसमें से आपको उन 8 वर्ड्स में सर्कल करके मेरे को भेजना है. अगर जिनकी बुक में ये एक्सरसाइज ना हो तो वो इसको लिख करके भी अपनी नोटबुक में मेरे को सेंड कर सकते हैं सर्कल करके. ठीक है, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में, ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है बच्चों, और दूसरी बहुत अच्छी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5, जो कि अगर बुक में ना हो तो कोई बात नहीं बेटा, आप इससे पहले वाली ही एक्टिविटी नंबर 3 ही कर देना, वो उस पोएम वाली. अच्छा, एक्टिविटी नंबर 5 जिनकी बुक में है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द राइमिंग वर्ड विद द डिफरेंट स्पेलिंग्स. द फर्स्ट सेट हैज़ बीन डन फॉर यू. अब जैसे आपने आपको आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन अक्रॉस, मतलब एक तिरछी लाइन आपको क्रॉस करनी है, या कहीं से भी जिनके वर्ड्स स्पेलिंग राइमिंग वर्ड्स में हो, और एक आपके लिए करके दिया गया. जैसे फोर मोर या पोर स्नोर डोर, मिलते हुए शब्द हैं. वैसे ही क्या ऐसा लगता है कि इसमें कोई मिलते जुलते शब्द हैं. यस, ड्राई ट्राई, सॉरी स्काई ड्राई एंड वाई,
बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, इनको आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्लू टिन गेम गो दी अपॉन फिश बुक्स लॉन। ब्लू काम करते हैं, ऐसे मिलाते हैं, नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। ब्लू ट्री लॉन भी नहीं होगा, फिश बुक्स लॉन भी नहीं होगा, ब्लू गो फिश भी नहीं होगा, पॉन ट्री कुछ तो मैच होना चाहिए, गॉन ओके मिल गया। क्या बच्चों, गॉन अपॉन एंड लॉन मिलते हुए शब्द हैं, बस इसको आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वन आपको खुद अपने आप करके मेरे को सेंड करना है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड लर्न ऑल वर्क फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड बी पंक्चुअल फॉर द एग्जाम्स एंड योर क्लास ऑलरेडी, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।